नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक चैनल पर। अच्छा शुक्र है, यूजर टेक के बाद शेयर करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बल जो टुकड़ी जा रही वन प्लस की तरफ से, वन प्लस के जो सीईओ पेटला, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि जो वन प्लस के 8 सीरीज जाएंगे उसमें सभी फोन में हमको 5G सपोर्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी टेक्नो जा रही वन नोके की तरफ से, नोके का जो 5.3 है, जो 5.2 का सक्सेसर है, जहाँ 19 मार्च को लंदन में लॉन्च होगा और बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ ये लॉन्च होगा। तीसरी टेक्नो जा रही है कोवा पंजाब के, कोवा पंजाब एक मतलब एक ऐप लॉन्च हुआ है जो कोरोना वायरस को अवेयरनेस करने के लिए ऐप लॉन्च किया। हमारे प्ले स्टोर में नहीं दिखाया जा रहा, पता नहीं कहाँ पर रखा गया है। और जो चौथी टेक्नो जा रही है वीवो की तरफ से, वीवो नेक्स्ट जो 3X लॉन्च हो गया चाइना में आज ही। इसके कुछ प्राइस रखी गई, कुछ जो 6G प्लस 128 जो इसका वर्जन, इसमें आपको कुछ 53,000 से 60,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। और जो 8G प्लस 256 जो वर्जन, उसमें आपको कुछ 60,000 से 70,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होंगे पता नहीं, मगर इसमें बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ उसमें 865 प्रोसेसर लगाया गया और आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है और क्वाड कैमरा के साथ आने वाला और बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन लॉन्च हो गया। और जो पांचवी टेक्नो जा रही नोकिया मतलब रेडमी K30 Pro की तरफ से, अरे रेडमी K30 Pro ये 19 मार्च को मतलब एंड ऑफ द मार्च के देखने को मिल सकता है। और साथ ही इसमें बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन के भी साथ लॉन्च होगा। इसमें आपको एक 4G वेरिएंट रहेगा, 5G वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। और जो छठी टेक्नो जा रही है वो आ रही है वीवो की तरफ से, वीवो का जो V19 Pro ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कुछ बहुत दिनों से रूमर निकल रही थी, अभी तक कुछ लॉन्च का डेट फिक्स नहीं हुआ। इसमें आपको डुअल पंच होल देखने को मिल सकता है और इसमें क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है और कहा जा रहा है कि इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है। थैंक यू, शेयर करना, कमेंट करना, चलो सब्सक्राइब करना।